आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे घर लाके मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। अस्सलामुअलैकुम भाई जी, मैं ठीक हूँ भजन। वो इफ्रा, वो उसका बहुत बुरा हाल है, वो रो रही है जी, वो सना को याद करके। हाँ जानता हूँ मैं इफ्रा, बहुत मानूस है सना से, लेकिन क्या करूँ, राशि भी तो बाप है उस बच्ची का। इतने महीने दूरी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करता। भजन वो आप इफ्रा और जवाद की शादी तय कर दें, यही हल है इस मसले का। नहीं नहीं फयाज, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है जी। क्यों, क्या मतलब? देखो जवाद जा रहा है अपने ऑफिस के काम से जर्मनी, वो शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं भजन? सना का क्या होगा और मेरी इफ्रा? एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर तुम ठंडे दिल और दिमाग से गौर करो तो। जी जी आप कहिए। देखो सना और इफ्रा की बेहतरी इसी में कि हम इफ्रा की शादी राशिद से कर दें। क्या क्या कह रहे हैं आप भाईजान? ने इफ्रा और राशिद की शादी, आप अपने क्या सोच के ये बात की है जी? फयाज बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से बात की है मैंने, इसी में हम सबकी भलाई है। देखो कोई भी औरत जो है ना, वो सना की माँ नहीं बन सकती, सिर्फ इफ्रा ही है जो सना को सच्ची माँ का प्यार दे सकती। ये मुमकिन नहीं है भाईजान, इफ्रा और जवाद की मंगनी हो चुकी है जी। ठीक है फिर तुम या मंगनी बचा लो या फिर सना का मुस्तकबिल, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सना तुम्हारी मरहूम बेटी की निशानी है, समझे? हाफिज भाईजान। ठीक किया आपने।